अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब कैरियर से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम के बाद जो है अपने सेटअप की आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी इंक्रीजमेंट हो गई है सेटअप में, बहुत चेंज हो चुका है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने बाद जाके मैं जो है एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ सेटअप की, क्योंकि इन 3 महीनों में बहुत चेंजिंग्स वगैरह हो गई हैं। सब कामों में लगा हुआ था और इसी तरह से आपसे रमज़ान की जो ईद है वो भी विश नहीं कर सका, बहुत मसरूफियत थी, बहुत बिजी चल रहा था मैं। तो अब फ्री हुआ हूँ, अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पीछे पूरा सेटअप है मेरा, जो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करके उसको जो है तकरीबन बड़ा कर चुका हूँ सेटअप को। तो अब सेटअप में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या कुछ आ चुकी हैं, वो सब आपको साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलता हूँ, अपने कैमरे को बैक की तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ कैसे था और कैसे चेंजिंग्स वगैरह हो गई। अब इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि डेली बेसिस पे ना, हर 2 दिन बाद नहीं तो कोशिश ये रहेगी कि फ्राइडे को जब मैं ऑफ ड्यूटी पे होता हूँ तो उसी दिन कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में कुछ बर्ड्स भी हैं सेल आउट के लिए, जो डायमंड के कुछ चिक्स वगैरह आए हुए, तो अपना फ़ोन, अपना रेड डफ के भी हैं और कुछ ओपल डफ के भी पट्टे हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो डायमंड के पट्टे हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। ये नए सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, नए व्यूवर्स के लिए भी हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो बहुत टाइम से मेरे चैनल को देख रहे थे, सब्सक्राइब करा हुआ था, उनके लिए भी हैं। तमाम मेरे देखने वालों के लिए ये जो हैं बर्ड्स सेल आउट के लिए, जिनको अच्छे लगे हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ कराची वालों के लिए है, क्योंकि कराची से बाहर कार्गो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो सिर्फ यहीं कराची में जो हैं उनके लिए ही है ये बर्ड्स। तो कैमरे को बैक की तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कैमरा मैंने बैक की तरफ कर लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से जो है मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक रूम तैयार करा, और उसके साथ ही जो है पहले यहाँ पे बिल्कुल इस वाली साइड पे मेरा छोटा सा सेटअप था, जो पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा। जो नए उन्होंने अगर नहीं देखा तो मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ में आके अगर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा सेटअप बना हुआ था तकरीबन इस एरिया तक। तो उसके बाद जो ये मैंने पूरा कवर करा है माशाल्लाह से पूरे एरिया को। इसमें मैंने यूज़ करी है फ्रंट जो है, मैंने पूरा रॉयल लोहे का फ्रेम यूज़ करा है, जो उसी में मैंने कुछ पार्टीशंस वगैरह लगाए हुए थे वही सब मैंने तकरीबन, नया मटेरियल कुछ यूज़ नहीं हुआ, जितना वो सब था वही सब इसमें यूज़ हो गया। बस कुछ चादरें लेके आनी पड़ी मुझे, तो चादरें ला के जो है मैंने उसको अपने सेटअप को क्लियर करा। उस टाइम पर गेट वगैरह भी बहुत छोटा था, तो हाइट वगैरह भी कम थी, तो अब की बार माशाल्लाह से हाइट भी काफ़ी ऊँची करी है। उस टाइम 6 फीट की हाइट थी, अब तकरीबन 7.5 फीट की हाइट में बनाया, और गेट भी काफ़ी तकरीबन 3 फीट का गेट बनाया मैंने काफ़ी बड़ा करके। तो आज कुछ सफाई का भी दिन था, थोड़ा बहुत सफाई भी कर ली। ये देख सकते हैं मेरा वो तकरीबन नीचे कॉकटेल का जो भी सेटअप था वो सब ऊपर शिफ्ट करके मैंने सब ऊपर शिफ्ट कर दिया, और कुछ केजेस वगैरह की इंक्रीजमेंट भी करी है सेटअप के अंदर, कुछ केजेस वगैरह भी लेके आया हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटर में कुछ कॉकटेल के पट्टों का वगैरह सेटअप है, 2 केजेस लगाए हुए मैंने सेंटर में। और इसी तरह से बड़ा सेटअप करने का मकसद यही था कि मेरे पास एक ये एरिया मिल जाए गली नुमा, और इसी तरह से 2 केजेस को जॉइंट करके, ताकि इस केजेस के गेट्स वगैरह इस वाली साइड पर आ जाएँ और उस केजेस के गेट्स वगैरह उस साइड पर आ जाएँ, और ठीक उसी तरह से मेरे पास इस तरफ भी गली मिल जाए। तो शेड की बात कर लेते हैं, शेड में तकरीबन मैंने 10 फीट की चादर यूज़ करी है इस वाली साइड पे, ये 10 फीट की यूज़ करी, उसके बाद आगे फिर 5 फीट की यूज़ करी है। बीच में जॉइंट आ रहा था तो फिर मैंने पूरा एक 1 पीस सिंगल में गार्डर चलाया, सिंगल पीस में पूरा गार्डर लगा के जो है फिर इसको सेटिंग करी है, और इसी तरह से सेंटर में एक 9 इंच के पाइप की सपोर्ट दी है। तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे हो के, आप देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन पूरा शेड का काम करा है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा हाइट में, बहुत हाइट में भी काम करा हुआ है, ताकि देख सकते हैं हाइट इसलिए रखना ज़रूरी थी ताकि केजेस के ऊपर जो है काफ़ी तकरीबन 1.25 फीट का गैप रहा है, ताकि हीट जो है वो डायरेक्ट अंदर ना आ सके। बिल्कुल सीमेंट की चादरें यूज़ करी इसलिए ताकि वो हीट को रोकती हैं। अब स्टार्ट करता हूँ, पहले यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ।
कुछ नया भी मैंने फार्मूला यूज़ करा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, तकरीबन 1.5 बाय 2 का साइज़ है, आप देख सकते हैं। इसमें एक नई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि कॉकटेल के साथ मैंने बजरी छोड़े हैं एक एक पेयर। ये नया फार्मूला यूज़ करा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे, चेक करेंगे। तो ये मेरा नया है, इससे पहले जो था वो ये था कि इसमें कॉकटेल के साथ एक पेयर बजरी का। और कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी सी ब्रीडिंग भी दिखा देता हूँ। इस बच्चे की डेथ हो गई है तो अब मैं इसको निकालता हूँ। काफ़ी बड़ा होकर मरा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बताई है, कराची में गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप माशाल्लाह से इसके 2 बच्चे बिल्कुल सही हैं, सेट चल रहे हैं। तो इसके बच्चे में डेथ हो गई है तो वो अभी रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से इसमें जो है कॉकटेल के साथ एक बजरी का सेटअप भी कर रहे हैं। नया केज परचेस करके लाया था, मतलब सेटअप में नया, वैसे यूज़ केज है। 1.5 बाय 2 का साइज़ है, कॉकटेल की मटकी इसलिए आ गई और एक साइड ऑस्ट्रेलियन की मटकी। 8 पोर्शन का केज ये है, 4 पोर्शन इस तरह से, फिर बाकी जितने भी हों सब वही केज हैं जो नीचे लगे हुए थे। तो पुराने पेयर हैं सारे माशाल्लाह से लगे हुए, अल्लाह पाक का शुक्र है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस में लगे हुए, ब्रीड भी आ रही है, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं पट्टे वगैरह भी सब जमा हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और कुछ लवबर्ड वैरायटी भी रखी हुई है, एग लेइंग पे हैं, क्रॉस पेयरिंग भी चल रही है थोड़ी सी, लवबर्ड का जो है मेल है और लोटिनो की फीमेल, इस तरह से यहाँ पे इसके 2 चिक्स मुझे मिले हैं, वो भी सेपरेट कर चुका हूँ। ये फर्स्ट ब्रीड पे है पेयर, इसी तरह से पीक फेस लवबर्ड भी है, ये कुछ लवबर्ड वैरायटी भी है। नॉर्मल सी बस शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है मेरे डब के पत्ते जो मैंने रोके हैं अपने घर के लिए, तो ये देख सकते हैं इसमें रेड डब, पर्पल डब और डायमंड डब, ये कुछ पीसीस हैं। और ओल्ड पुराना सेटअप आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से, डब का सेटअप अपना, डायमंड डब, ये सिल्वर वाइट टेल डब, ये रेड डब भी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। बच्चे बच्चे भी आज देख सकते हैं, बच्चे वगैरह भी मछले से निकाले हुए, इन्होंने काफ़ी हद तक घूम रहे हैं, किसी के 1 किसी के 2 बच्चे सेल्फ हो चुके हैं बच्चे दोनों। ओपन डब के क्रॉस पेयरिंग हुई है बिल्कुल, देख सकते हैं रेड डब और वाइट टेल के ओपल बच्चे निकले हुए। इसी तरह से यहाँ पर भी माशाल्लाह से सेकंड केज, फिर थर्ड केज और सेटअप नहीं नया, 4th केज की इंक्रीजमेंट करिए। आज इसमें जो है कुछ नियम वगैरह लगाएंगे, मैचिंग देंगे। तकरीबन लास्ट वीक ही इसको मैंने वो तैयार करा था, उसके अंदर कुछ वो लगाई थी मैंने, तो 2 पेयरों ने अंडे भी दे दिए इसके अंदर, एक इसने और एक इसने, एग्स वगैरह लिंक भी कर दिए। तो ये इस तरह से भी चल रहा है। और नए में आपको दिखाते हैं कि कॉकटेल के पट्टे, ये है कॉकटेल के चिक्स वगैरह जो अभी मैंने कुछ टाइम हुआ है इनको सेपरेट करा है। ये है तकरीबन सेल आउट पे, यहाँ से भी आपको कुछ पट्टे वगैरह मिल जाएंगे, कुछ ये फीमेल्स हैं अडल्ट घर की कोई चेंजिंग्स वगैरह करने के लिए, ये भी हैं कुछ घर के रोकने के लिए, मजीद नई पेयरिंग के लिए कुछ कलर्स बिठाए हैं, इनो वगैरह, रेड आई क्रीम, ओपल अपना फोन और पल कलर में सेटअप में नया एक कलर है ये मेरे पास पल में। और इसी तरह से कुछ ये नीचे बर्ड्स रखे हुए सेल आउट के लिए, कुछ सेल आउट कर लिए थे लास्ट संडे को, तो कुछ ये भी हैं सेल आउट पे। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएं, फिशर की कुछ कलेक्शन करी हुई अपने न्यू पेयरिंग अपना सितंबर में, नहीं तो अगस्त या सितंबर में इनकी पेयरिंग करेंगे। फिशर की पट्टे परचेस करके लाया था, एक इसमें ऑफलाइन का पीस घूम रहा होगा ये आप देख सकते हैं, ऑफलाइन का एक पीस है, ये भी बस आ गया था किसी फ्रेंड के पास से, तो वो भी है नई पेयरिंग के लिए। और माशाल्लाह से आपको दिखाऊँ सेटअप में सब जावा के पट्टे कलेक्ट कर रहा हूँ अपने नए, मतलब इंक्रीज करने के लिए। इसमें वाइट के पट्टे हैं और अपना ग्रे के पट्टे हैं, तो ये भी सब जमा हो रहे हैं, 10-20 माशाल्लाह से जमा हो चुके हैं। और ये जो हैं आपको दिखाता हूँ अभी डायमंड वाइट टेल के
के कुछ पट्टे जमा हुए हैं सेल आउट पे, किसी भी सब्सक्राइबर को चाहिए हो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। कुछ काफ़ी हद तक इसमें तैयार भी हो चुके हैं, मेल फीमेल कंफर्म भी हो रहे हैं, देख सकते हैं रिंग्स वगैरह काफ़ी हद तक खींच के वो हो गए, बड़े भी हो गए रिंग्स वगैरह, कुछ छोटे हैं मिक्स हैं, छोटे लेकिन कम हैं, बड़े ज़्यादा हैं। लबर्ड की वैरायटी देखें हम माशाल्लाह से ये जमा कर रहा हूँ, लबर्ड की कुछ चिप्स वगैरह ये भी जमा करें, कुछ परचेज करके आया हूँ कुछ घर वाले उस वाले पेयर के। इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हैंड टेम सब हैंड टेम कॉकटेल्स हैं ये, कुछ के पेरेंट्स वगैरह जिन्हें प्रॉपर नहीं फीड कराते तो फिर वो मैं भी लेके अपने हैंड फीड पे उसको जो है तैयार कर लेता हूँ। तो इसमें माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि वी फाइट में ढूंढ रहा था और मेरे पास अपने सेटअप में मेरे पास कुछ वी फाइट निकल के आ चुके हैं, ये देख सकते हैं वी फाइट बैठा हुआ है, एक वी फाइट वहाँ कॉर्नर के नीचे बैठा हुआ है, इसी तरह से एक वी फाइट ये भी है लेकिन ये थोड़ा कम है, बाकी दो वी फाइट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। एक ये आया हुआ देखें, वी फाइट के कुछ पीसिस वगैरह आने लग गए हैं सेटअप में। तो वी फाइट ये जो आप क्रीम वी फाइट देख रहे हैं ये किस पेयर की पेयरिंग है वो आप भी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास वी फाइट का मेल पड़ा हुआ है तीनों के अंदर, इसके बाद क्रीम की फीमेल लगा के, तो कुछ जो हैं बच्चे अभी मेरे पास आए हैं वी फाइट क्रीम के अंदर। तो इसी तरह से और भी बहुत कुछ है, मिट्टू का बच्चा घर की ब्रीड का बच्चा है ये माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 6 महीने का हो चुका है, ये फुली हैंड टेम है और वहाँ पे भी कुछ बर्ड्स हैं वो भी रखे हैं। इंशाल्लाह फिर वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। तो सिर्फ देने के जो है पीसीस वो फिर से मैं आपको बता दूँ, सिर्फ कॉकटेल्स वगैरह हैं पट्टे जो देने के हैं और सिर्फ ये डायमंड डब के कुछ बच्चे हैं ये देने के हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है देने का। बाकी जो आप फिशर वगैरह देख रहे हैं जावा और लोटिनो और इसी तरह से वहाँ पर कॉर्नर पे भी एक नया बर्ड है वो भी मैंने सेव करा हुआ, ये सब अपने घर पे ब्रीडिंग के लिए लगाना है। और इसी तरह से ये पूरा एरिया बचा हुआ है इसको भी कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके आते जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अब जो फ़िलहाल देने के सिर्फ दो आइटम कॉकटेल के पट्टे और डायमंड डब के पट्टे ये हैं सेल आउट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, फिर साथ ही साथ वहाँ पर उस तरफ मेरा मुर्गियों का सेटअप अपना गोल्डन हिस्ट्री और गोल्डन बफ का सेटअप है वो भी है, तो छत पे काफ़ी फैलावा हुआ है तो क्योंकि सफाई वगैरह करनी है, काम भी बहुत पड़ा हुआ है, रूम का भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।